हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। दिस इज लेक्चर नंबर 35। आज हम लेक्चर नंबर 35 के अंदर डिस्कस करेंगे, हमारे पास आर्टिकल नंबर 34। आर्टिकल नंबर 34 जो हमारे पास कानून शहादत के अंदर और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, ये हमारे पास सेक्शन बन जाएगा 21। 21 किसके अंदर? इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप कंपेयर करें, वही चीज़ है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर और कानून शहादत के अंदर। आइए देख लेते हैं। बेसिकली एडमिशन जो होती है ना, एडमिशन जब भी कोई शख्स अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है कोर्ट में, ठीक है, फिर चाहे ओरली हो या फिर रिटन हो, तो फिर वो हमारे पास क्या हो जाती है? एडमिशन कहलाती है, ठीक है। सबमिट करवाता है जब भी कोई शख्स, ठीक है, तो फिर वो अपने अगेंस्ट में करवाता है। मगर ये बात करता है 34 जो हमारे पास आर्टिकल है कानून शहादत, वो इस बात की एक्सेप्शन है, ठीक है। हमेशा एडमिशन किसी भी हमारे पास किसी के क्लेम को मानना, मतलब हम अपने अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम अपने मुखालिफ में, हम अपने खिलाफ बयान दे रहे हैं, मगर यहाँ पर ये एडमिशन का कुछ हमारे पास दूसरा ये टाइप्स आप कह सकते हैं इसे, ये है कि इसमें एडमिशन जो है फेवर में आ रही है। आइए देख लेते हैं, इसकी हम बैरिडिंग कर लेते हैं। आर्टिकल 34 जो कहता है प्रूफ ऑफ एडमिशन, इस बात का प्रूफ, एडमिशन का प्रूफ अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम, जो शख्स एडमिशन कर रहा है उस शख्स की अगेंस्ट में, जो भी शख्स अपनी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है, ठीक है, अपने अगेंस्ट में, उसका प्रूफ, एंड बाय आर ऑन देयर बिहाफ, और उसके अलावा जो अपने हक में दे रहा है या फिर उनके बिहाफ पर कोई दे रहा है, ठीक है, उनका प्रूफ। आइए इसकी बैरिडिंग कर लेते हैं। एडमिशंस आर रेलिवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम। एडमिशन सिर्फ उसकी ही रेलिवेंट मानी जाएगी जो शख्स स्टेटमेंट दे रहा है, मगर वो स्टेटमेंट साबित करे कि वो स्टेटमेंट उस शख्स के अगेंस्ट में है। आरी बात समझ में? एक बात आप नोट कर ले, फॉर एग्जांपल ए ने बी पर कोई सूट फाइल किया, अब स्टेटमेंट यहाँ पर बी दे रहा है किसी भी बात की, ठीक है, तो फिर वो उसकी स्टेटमेंट जो है ना, क्या इसकी स्टेटमेंट? इसकी स्टेटमेंट जो है वो बी के अगेंस्ट हो, क्या हो? बी के अगेंस्ट हो, तो फिर वो एडमिशन जो है, वो स्टेटमेंट जो है, वो क्या कहलाएगी? वो रेलिवेंट कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब बात हम आ जाते हैं हमारे पास कन्फेशन की। कन्फेशन का मतलब क्या है? हमारे पास प्लीड्स गिल्टी, जुर्म को तस्लीम करना, ठीक है, जुर्म का हमारे पास किसी, फॉर एग्जांपल किसी पे कोई हमारे पास ट्रायल चलता है और वो जो केस होता है, जो इल्ज़ाम होता है, उनको मान लेना, क्रिमिनल केसेस में होता है कन्फेशन, मतलब इसने जुर्म मान लिया, इसने मान लिया कि इसने जुर्म किया है। अब कन्फेशन में जब कोई शख्स हमारे पास कन्फेस करता है किसी बात को, तस्लीम करता है, ठीक है, तो फिर वो उसके अगेंस्ट में होगी, उसकी फेवर में नहीं होगी। ये फॉर एग्जांपल ए पर बी पर कोई केस चल रहा है कि इसने, बी ने मर्डर किया, बी मानता है कि हाँ मैंने ये मर्डर किया है, ठीक है, तो ये इसके अगेंस्ट में हुई। अगर बी कोई ऐसा बयान दे, ठीक है, इसकी फेवर का बयान दे, तो फिर वो हमारे पास कन्फेशन नहीं होगा। इसी तरह एडमिशन भी हमारे पास अगर फेवर की बात निकाले, उसमें से उसकी जो इन्फ्रेंस है, उसकी सजेशन जो है वो इनकी फेवर में आ जाए, तो फिर वो एडमिशन नहीं कहलाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, बट दे हमारे पास आर हैज रिप्रेजेंटेड इंटरेस्ट, वो शख्स खुद दे या फिर उसका कोई लीगल हेयर्स या जो भी हो उसका हमारे पास इंटरेस्टेड पर्सन हो, वो बयान दे, ठीक है, उनके अगेंस्ट में। फॉर एग्जांपल ए ने बी पर सूट फाइल किया, तो फिर बी एडमिट कर रहा है बी का क्लेम, या फिर बी का कोई एजेंट है सी वो कर रहा है, या फिर बी का हमारे पास कोई लीगल हेयर्स है, ठीक है, डी वो कर रहा है, या फिर कोई भी शख्स जो कि हमारे पास, हमारा क्या होता है इसको कह लेते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, कोई भी शख्स। अब रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट मतलब कि इस शख्स का,
कोई भी इनके बिहाफ पर केस प्रोसीडिंग्स में आने वाला शख्स, ठीक है, जो इंटरेस्ट रखता हो वो शख्स, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। बट दे के नॉट बी प्रूव्ड बाय आर ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम आर बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। मगर वो जो स्टेटमेंट है वो एडमिशन कभी भी रेलिवेंट नहीं मानी जाएगी जबकि वो एडमिशन उस शख्स की फेवर की बात करें, आ रही बात समझ में, उसके फ़ायदे की बात करें तो फिर वो एडमिशन नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, ए ने बी पर कोई क्लेम हमारे पास मार्कशीट फाइल किया, बी ने कोई एडमिशन कर ली, मगर बी उसमें अपना क्या है, उसका बेनिफिट है, ठीक है, बी जो है उसमें बी के अगेंस्ट में वो एडमिशन नहीं है, तो फिर वो बात जो है एडमिशन तस्लीम नहीं की जाएगी। जो स्टेटमेंट इसके फेवर में है वो एडमिशन नहीं कहलाएगी, यहाँ तक बात क्लियर है। मगर एडमिशन उस वक्त भी मान ली जाएगी जब इसके फेवर में हो, ठीक है, फेवर में, एडमिशन इन फेवर इन सर्टेन केसेस, ठीक है। अब ये बात कर रहा है हमारे पास आर्टिकल 34 जो कह रहा है कि एडमिशन जो होगी वो हमेशा अगेंस्ट में होगी, फेवर में नहीं होगी, फेवर में भी होगी मगर कुछ केसेस, कितने केसेस है हमारे पास, एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, कौन कौन से केसेस में, नंबर वन, जब कोई शख्स की डेथ हो जाए, जैसा कि डाइंग डिक्लेरेशन होती है ना, ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन उस शख्स के फेवर में होती है जो मर चुका होता है मगर फिर भी वो एडमिशन कहलाती। आइए देख लेते, पढ़ लेते हम। एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय आर ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड इट वुड बी रेलिवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर आर्टिकल 60 हमारे पास 46। अब जो एडमिशन है वो थर्ड पर्सन अगर दे रहा है, इन फेवर कर रहा है, फिर भी रेलिवेंट मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, ए ने सूट फाइल किया बी पर, ठीक है, मगर बी जो है बी की डेथ हो गई, बी की जगह पर सी कह रहा है, ठीक है, सी कह रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, आ रही बस समझ में, ए ने बी पर कोई सूट फाइल किया मगर बी की डेथ हो गई, सी बी की जगह पर सी कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, और वो एडमिशन है, और वो एडमिशन किसके फेवर में है, वो एडमिशन बी के फेवर में है, ठीक है, हालांकि एडमिशन अगेंस्ट में होनी चाहिए मगर यहाँ पर सी जो बयान दे रहा है वो फेवर में दे रहा है, इससे फेवर में माना जा रहा है, फिर भी इसको एडमिशन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, एडमिशन कंसीडर किया जाएगा जबकि शख्स मर चुका हो। नंबर टू पर बात क्या है, अब ए क्या है, यू कैन नॉट मेड स्टेटमेंट इन योर फेवर इफ़ यू मेड देन इट इज़ नॉट एडमिसिबल। अगर आप खुद जो है अपने फेवर में कोई हमारे पास एडमिशन कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपके अगेंस्ट में नहीं, आपके फेवर में नहीं है, हमारे पास आपके फेवर में है, तो फिर वो एडमिशन नहीं कहलाएगी और वो इन एडमिसिबल होगी एविडेंस में, या तो बात क्लियर है। मगर ये तीन केसेस हैं, इसके अंदर थर्ड जो पर्सन है वो एडमिशन करता है बिहाफ पर, मरे हुए शख्स के बिहाफ पर, तो फिर वो एडमिशन मान लिया जाएगा। नंबर वन क्लियर हो गया आपके पास, जैसा कि डाइंग डिक्लेरेशन है, कोई शख्स मर रहा है, ठीक है, मरते वक्त किसी को कोई बात करके गया हो, तो फिर वो जिस शख्स को बात की है वो शख्स आके कोर्ट में आके स्टेटमेंट दे और फिर वो एडमिशन मान ली जाएगी। इसकी इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं आगे, क्लियरली इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे बआसानी। नंबर टू पर बात करता है, एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय आर ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द existence of an state of mind or body relevant or an issue made at or about the time when such state of mind or body existed and in accompanied by conduct rendering its falsehood improbable। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि स्टेट ऑफ माइंड, किसी का सोचना, कोई शख्स सोच रहा है, क्या सोचता है, फॉर एग्जांपल कोई ए है, ए आके कोर्ट में कहता है कि मेरा ख्याल है कि बी का ये इरादा था, बी ये सोच रहा था, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो फिर ये बातें जो होती हैं वो कहलाती हैं स्टेट ऑफ माइंड,
स्टेट ऑफ माइंड या फिर बॉडी या बॉडीली फीलिंग या फिर किसी चीज़ का एग्जिस्ट होना, माइंड का, बॉडी का, ठीक है, या फिर किसी का कंडक्ट, किसी का रवैया, आ रही बस समझ में, जिसको झूठा तस्वर करना नामुमकिन हो, जिस बात को झूठा तस्वर करना नामुमकिन हो। और ये जो बातें थर्ड पर्सन आके उनके ब्याह पर आके करे तो फिर ये बात भी हमारे पास क्या कहलाएगी, एडमिशन कहलाएगी। फेवर में बात है मगर फिर भी एडमिशन होगी। आइए नंबर थ्री देख लेते हैं। एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय आर ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रेलिवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। अब कोई शख्स एडमिशन कर रहा है मगर अपने फेवर में कर रहा है, ठीक है, अरे बस समझे, फिर भी वो हमारे पास एडमिशन मान ली जाएगी। आइए इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसके कुछ इलस्ट्रेशन है, इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। जैसा कि इलस्ट्रेशन नंबर ए है, इलस्ट्रेशन ए बात करता है, द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज वेदर अ सर्टेन डीड इज आर इज नॉट फॉल्ट। ए अफर्म्स दैट इट इज जेन्युइन, बी दैट इज फॉल्ट। अब ए और बी के दरमियान में एक झगड़ा चल रहा है, ठीक है। अब बी क्या, दोनों के बीच में क्या चल रहा है कि एक डीड है, ठीक है, वो डीड फॉर्ज्ड है या फिर जीनियन है। हमारे पास पहले जीनियन लिख ले हम। ए क्या कह रहा है, ए अफर्म्स दैट इज जीनियन, ठीक है, ए कह रहा है जीनियन है और बी कह रहा है क्या है, फॉल्ट है। अब इन दोनों के दरमियान, ए और बी के दरमियान में एक झगड़ा चल रहा है, एक डिस्प्यूट चल रहा है, किसको लेकर, एक डीड को लेकर, ठीक है। ए कह रहा है ये जीनियन है और बी कह रहा है नहीं ये झूठी है, ए कह रहा है ये सच्ची है, ये रजिस्ट्री सच्ची है और बी कह रहा है नहीं जी ये रजिस्ट्री झूठी है। तो आइए देख लेते हैं हम। ए मे प्रूव अ स्टेटमेंट बाय बी दैट द डीड इज जीनियन। अब ए क्या करेगा, ए कोशिश करेगा बी से ये साबित करवाने के लिए कि बी ये बयान दे कि ये हमारे पास जो डीड है वो जीनियन है, ठीक है, डीड जो है वो क्या है, जीनियन है। जब बी कहेगा कि डीड जीनियन है तो फिर मान लिया जाएगा कि बी ने एडमिशन की है, क्योंकि ये बी के अगेंस्ट बात है। पहले तो बी कह रहा था कि ये फॉल्ट है, झूठी है, मगर ये मान ले बी कि ये जीनियन है तो फिर क्या हो गई, ये एडमिशन हो गई, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और बी कोशिश कर क्या करेगा, एंड बी मे प्रूव अ स्टेटमेंट बाय ए दैट द डीड इज फॉल्ट। और बी कोशिश करेगा कि ए क्या कहे, ए कहे कि ये डीड जो है ये क्या है, ये डीड जो है ये फॉल्ट है, क्योंकि पहले ए ने दावा किया कि ये डीड जो है ये सच्ची है मगर बाद में कहता है कि नहीं ये झूठी है। तो मतलब क्या हो गया, बी के फेवर में हुआ और ए ने बयान दिया वो ए के अगेंस्ट में हुआ, तो फिर ये भी क्या हो गई, एडमिशन हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है, आ रही बात समझें, ये बात तो यहाँ पर साबित हो गई कि जो एडमिशन है वो हमेशा अगेंस्ट में होती है, फेवर में नहीं होती है, फेवर में कुछ सरकमस्टेंसेस के अंदर होती है एडमिशन। आइए इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। बट ए कैन नॉट प्रूव स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट द डीड इज जीनियन। अब ए जो है ये दावा कर रहा है, ठीक है, कि मेरी डीड जो है वो जीनियन है। अब ए खुद एडमिशन इस बात की नहीं कर सकता, ऐसी स्टेटमेंट दे हमारे पास ए कि ये डीड जो है वो जीनियन है और कोर्ट इसको एज एडमिशन कंसिडर करे, ऐसा नहीं होगा। और इसके बाद क्या है, नार कैन बी प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट द डीड इज फॉल्ट। और ना ही बी कहेगा इस डीड को कि ऐसी स्टेटमेंट देगा जिसको कंसीडर किया जाए एज एडमिशन कि ये डीड जो है वो फॉल्ट है, ये झूठी है। यहाँ तक बात क्लियर है, आपको समझ में आ गई, मतलब ए कहे कि एक स्टेटमेंट दे कि ये डीड जो है वो जीनियन है तो फिर उसको कोर्ट एडमिशन कंसीडर नहीं करेगी क्योंकि ये इनके फेवर में आ जाएगी। और ना ही बी कहेगा कि ये झूठी है, ए
जो है वो जीनियन, जिस चीज़ को जीनियन मान रहा है, यह जीनियन नहीं है, यह झूठी है। अगर ऐसा बयान बी दे रहा है तो इसका मतलब है बी अपने फेवर की बात कर रहा है। अगर फेवर की बात कर रहा है तो ये एडमिशन नहीं कहलाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आइए इसके बाद हम देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर सी। ये बात समझ में आ गई आपको? अगर समझ में ना आई हो तो आप मुझे हमारे पास कमेंट्स में बताएं, तो फिर मैं आपको और भी क्लियरली बता दूंगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ए दावा करता है, कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है कि यह डॉक्यूमेंट सच्चा है, और बी कहता है नहीं जी झूठा है। अब यहाँ पर एडमिशन तब होगी जब ए कहे ये सच्चा है और बी उसको मान ले कि हाँ ये सच्चा है, तो फिर ये बी के अगेंस्ट में बात आ जाएगी और इसको एडमिशन कहलाएगी। और जब बी मना कर रहा है कि नहीं ये झूठी है, और जो दावा कर रहा था ए कि सच्ची है, और ए मान ले कि हाँ यार ये तो हमारे पास झूठी है, तो फिर वो एडमिशन होगी ए के अगेंस्ट में। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है, आप थोड़ा इसको हमारे पास इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। अब इलस्ट्रेशन सी देखते हैं। इलस्ट्रेशन सी बात करता है बी, इलस्ट्रेशन बी बात करता है कि कोई कैप्टन है। ए क्या है? हमारे पास कैप्टन है। ठीक है, अब कैप्टन क्या करता है? द कैप्टन ऑफ अ शिप इज टायर्ड फॉर कास्टिंग हर अवे। हर वर्ड इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, देख लें। हर हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होता है? एक शी के लिए इस्तेमाल होता है, शिमेल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? मगर यहाँ पर हर इस्तेमाल हुआ है, मतलब शिप के लिए। शिप जो है उसको हर हर कहा जाता है। ठीक है, हिज नहीं। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है? ए द कैप्टन ऑफ अ शिप इज टायर्ड फॉर कास्टिंग हर अवे, मतलब उसको दूर ले जाने के लिए हमारे पास शिप है, उसको दूर ले जाने के लिए जो है उस पर एक मुकदमा चल रहा है। क्या है? इज ट्राइड फॉर कास्टिंग, कास्टिंग मीन्स दूर ले जाना, चेंज करना, चेंज द डायरेक्शन, हर मतलब जो शिप है उसकी। एक कैप्टन है, उस पर ये इल्ज़ाम है कि ये कैप्टन जो है हमेशा एक शिप को ए हमारे पास एक्स जगह से जेड जगह पर लेकर जाता है। ठीक है, मगर इसने अपना रूट चेंज किया। कास्टिंग एक वर्ड आता है, कास्टिंग, कास्टिंग मीन्स अपने डायरेक्शन चेंज करना, अपने डायरेक्शन चेंज करना। उसने शिप की डायरेक्शन चेंज की, इसको कैप्टन ए को एक्स जगह से लेकर वाई जगह पर शिप को लेकर जाना था, मगर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और शिप को हमारे पास डिस्ट्रॉय करवा दिया। हमारे पास क्या करवा दिया? हमारे पास डुबो दिया समुद्र के अंदर। अरे बस अब देख लेते हैं। एविडेंस इज गिविन टू शो दैट द शिप वाज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स। अब ऐसी गवाही दी जाएगी कि बिल्कुल ए ने जो है अपनी जो प्रॉपर कोर्स था एक्स जगह से लेकर वाई जेड जगह पर लेकर जाना था, मगर इसने अपनी जो है डायरेक्शन चेंज की थी, मतलब अपनी जो है इसने कास्टिंग की थी, मतलब एक्स से जेड तक जाना था मगर इन्होंने एक्स से वाई की तरफ जा रहा था वहाँ पर। ठीक है, अपना मीन्स डायरेक्शन चेंज की, ऐसी एविडेंस दी जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास बातें यही चल रही है कि ए ने, सवाल ये है कि ए ने अपनी जो शिप है उसकी डायरेक्शन चेंज की। ठीक है, अरे बस समझ, तो फिर उन पर गवाही दी जाएगी कि वाकई इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की थी या नहीं की थी। अब ए प्रोड्यूस अ बुक केप्ट बाय हिम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस शोइंग ऑब्जर्वेशंस अलाइड टू हैव बीन टेकन बाय हिम फ्रॉम डे टू डे। अब ए जो है एक बुक पेश कर सकता है जिसमें ये एंट्री करता है था। ठीक है, डे टू डे, डे टू डे मतलब एंट्री करता था हर रोज़ कि एक्स से वाई जा रहे हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली डेट पर जा रहे थे, इन्होंने एंट्री की कि हम एक्स से वाई और जेड पर जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी तारीख को भी की इन्होंने कि हम एक्स से जेड तक जा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह की इनकी एंट्रीज़, जो भी एंट्रीज़ है
वो एंट्रीज इनकी सच्ची एंट्री थी, ठीक है। जब भी इन्होंने एंट्री की थी, जो भी एंट्री की थी और वहाँ पर वो गए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए ने एंट्री की थी कि हम एक्स से वाई जा रहे हैं, तो फिर वो उस दिन गए थे। ऐसी एंट्रीज इन्होंने ऐसा बुक पेश कर दिया कोर्ट में, ठीक है। एंड इंडिकेटिंग दैट द शिप वॉज नॉट taken out of her proper course, A may prove these statement because they would be admissible between third parties if he were dead under article, हमारे पास 46 paragraph number 2, ठीक है। अब यहाँ पर A जो book पेश करवाया है, अब जो A जो है captain, उसकी हमारे पास for example डेथ हो गई है, जो बुक पेश कर रहा है उसकी डेथ हो गई है, मगर वो बुक जो है वो उसका बुक जो है वो रोज़ की एंट्री थी, ठीक है। हमारे पास ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस था, वो उनकी रोज़ाना एंट्री थी और उसकी एडमिशन जो है उस वक्त एडमिसिबल मानी जाएगी जब इसकी डेथ हो जाए और वो बुक इसके हाथों का लिखा हुआ कोर्ट में पेश हो जाए, ठीक है, तो फिर वो एज अ एडमिशन मान ली जाएगी, जबकि वो एडमिशन इन फेवर है। एडमिशन हमारे पास क्या है, इन द फेवर बट एडमिसिबल रिलेटेड टू वन ऑफ 34। नंबर बी जो है इलस्ट्रेशन वो क्या है, एडमिसिबल है, फेवर में है, फिर भी एडमिसिबल है अंडर आर्टिकल 34(1). यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। आइए इसके बाद हम सी पर चलते हैं। इलस्ट्रेशन सी बात करता है, ये भी बात करता है फेवर की, मगर फिर भी एडमिसिबल है अंडर आर्टिकल 34 सब सेक्शन, हमारे पास सब आर्टिकल 1 के, अंडर आर्टिकल 34 सब आर्टिकल 1 के तहत। आइए देख लेते हैं, ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ क्राइम कमिटेड बाय हिम एट पेशावर। ए पर कोई हमारे पास ट्रायल चल रहा है कि ए ने क्या किया है। इलस्ट्रेशन हम सी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, सही चल रही है। इलस्ट्रेशन सी में बात कर रहे हैं हम, ए इज अक्यूज्ड ऑफ क्राइम कमिटेड एट पेशावर। ए जो है, ए ने कोई क्राइम किया है कहाँ पर, पेशावर में, ठीक है। ए ने कोई जुर्म किया है पेशावर पर, ये सवाल है, ठीक है। ही प्रोड्यूस अ लेटर रिटन बाय हिमसेल्फ एंड डेटेड एट लाहौर ऑन दैट डे एंड बियरिंग द लाहौर पोस्ट मार्क ऑफ दैट डे। अब ये जो है ये साबित कर ली, ठीक है, इसके बिहाव पर साबित हो जाए कि जिस दिन, फॉर एग्जांपल 10 तारीख को दिखाया गया है कि ए ने कोई पेशावर में कोई जुर्म किया है 10/1/2022 को, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 10/1/2022 को, मगर 10/1/2022 को ये कहाँ पर था, ये लाहौर में था। उन्होंने एक खत लिखा था, ठीक है, एक लेटर लिखा था और वो लेटर इन्होंने पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा था और उन पर लाहौर में पोस्ट ऑफिस का मार्क भी लगा था, मतलब सील लगी हुई थी पोस्ट ऑफिस की कि वो बिल्कुल वहाँ पर मौजूद था। अब आइए देख लेते हैं, अब इसकी स्टेटमेंट कहाँ जाके रुकती है। द स्टेटमेंट इन द डेट ऑफ द लेटर इज एडमिसिबल बिकॉज इफ ए वर डेड इट वुड बी एडमिसिबल अंडर आर्टिकल, हमारे पास 46 पैराग्राफ नंबर 2। अब ये भी क्लियर बात कर रहा है कि जबकि अगर ए की डेथ हो जाए, जिस पर ये इल्ज़ाम था कि ए ने पेशावर में कोई क्राइम किया था, ठीक है, मगर उसी दिन ये लाहौर में मौजूद था, ऐसा कोई खत ये कोर्ट में पेश कर दे और उन पर स्टेटमेंट दी जाए, ठीक है, जबकि ए की डेथ हो जाए, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट है वो ए की फेवर की है कि ए तो लाहौर में था, ए ने पेशावर में कैसे क्राइम कमिट किया, ये इनकी फेवर की है, फिर भी एडमिसिबल होगी, ठीक है, फिर भी एडमिशन कहलाएगी और वो एडमिशन एडमिसिबल होगी, एडमिसिबल होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं डी पर। इलस्ट्रेशन डी बात करता है, ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलिंग गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलिन। अब ए जो है ये हमारे पास क्या बात करता है, सी किस रिलेटेड है, आर्टिकल हमारे पास 34(1) से, जब ए की डेथ हो जाए, ठीक है, उस वक्त की ये बात है। यहाँ तक बात क्लियर है।
उस सर्कमटेंसेस में है जब वो लेटर पेश किया जाए जब ए की हमारे पास डेथ हो चुकी हो। अब चलते हैं डी की तरफ। डी में यह है कि ए पर कोई इल्ज़ाम है कि ए जो है जानबूझकर चोरी की चीज़ें हमारे पास अपने पास रखता है, वो रिसीव करता है, वसूल करता है चोरी की चीज़ें, ठीक है। ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज टू सेल देम शो बिलो द वैल्यू। अब ए पर ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने ये जानबूझकर चोरी की चीज़ें जो है वो लेता है, क्या लेता है, जानबूझकर स्टोलन प्रॉपर्टी लेता है, ठीक है। स्टोलन प्रॉपर्टी लेता है, ठीक है। ही ऑफर टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज टू सेल देम बिलो देयर वैल्यू। अब ये साबित कर जाता है कि ये जब अगर चोरी, ये साबित कर जाता है एक कोर्ट में आकर स्टेटमेंट के थ्रू कि मैंने जो चीज़ मेरे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास लैपटॉप है, मोबाइल्स हैं, मैंने उन चीज़ों को इनकी जो एक्चुअल प्राइस है, इनकी जो एक्चुअल वैल्यू है, उनसे कम प्राइस में बेचने के लिए किसी को भी ऑफ़र नहीं किया, मतलब ऑफ़र नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ें चोरी की नहीं है। चोरी की चीज़ें हम हमेशा हमारे पास अध कीमत में, हाफ आपको प्राइस में, हाफ प्राइस में कौन सी चीज़ आपको मिलती है, हमेशा चोरी की चीज़ मिलती है। स्टोलन प्रॉपर्टी आपको हाफ प्राइस में मिलेगी क्योंकि हाफ प्राइस आप पे कर रहे हैं, हाफ प्राइस आप अपने रिस्क पर ले रहे हैं। अगर हाफ प्राइस में कोई चीज़ अपनी नहीं सेल कर रहा तो उसका मतलब वो चोरी की नहीं है, वो जेन्युइन है, उसकी अपनी चीज़ है। यहाँ तक बात क्लियर है, ये ऐसा बयान साबित करता है, ठीक है। और ये साबित, ये बात साबित कर जाता है कि इसने इसकी एक्चुअल प्राइस से कम बेचने से इनकार कर दिया था। ये ऐसे बयान ये साबित कर जाता है। ए मे प्रूव दीज स्टेटमेंट दो दे आर एडमिशन बिकॉज दे आर एक्सप्लेनेटरी ऑफ कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट एंड इशू। अब इन्होंने जो इनकार किया था ना कम कीमत में बेचने के लिए, वो इसका स्टेट ऑफ माइंड था, और इसने जो हमारे पास एक्सप्लेन किया था स्टेटमेंट हमारे पास, ठीक है, जो उसका हमारे पास कंडक्ट था, ठीक है, वो जो इन्होंने हमारे पास कंडक्ट था उनका इन्फ्लुएंस्ड जो हुए थे, ठीक है, लो प्राइस में बेचने के हमारे पास रिफ्यूज़ करने पर, ठीक है, वो उनका कंडक्ट हो गया, ठीक है। ये इनके फेवर में है मगर फिर भी हमारे पास एडमिसिबल होगा। ये रिलेटेड टू हमारे पास 34 आर्टिकल जो है, 34 और सब आर्टिकल 2 से रिलेटेड है ये इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन ई की तरफ चलते हैं। ए इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली हैविंग इन हिज पोजीशन काउंटरफीट कॉइन व्हिच ही न्यू टू बी काउंटरफीट। अब ए पर ये इल्ज़ाम है कि ए जो है अपनी पोजीशन में, अपने कब्ज़े में, ठीक है, काउंटरफीट कॉइन रखता है, ठीक है, क्या रखता है, काउंटरफीट कॉइन। अब ए पर इल्ज़ाम है। ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही आस्क्ड अ स्किलफुल पर्सन टू एग्जामिन द कॉइन एज ही डाउटेड वेदर इट वाज काउंटरफीट और नॉट। अब ए जो है ऑफर देता है कि किसी एक्सपर्ट को बुला लिया जाए कि ये जो कॉइन है ये जेन्युइन है या फिर काउंटरफीट है, ठीक है, और जो भी एक्सपर्ट का ओपिनियन होगा, ठीक है, आर नॉट एंड दैट द पर्सन डिड एग्जामिन इट एंड टोल्ड हिम इट वाज जेन्युइन। और जो शख्स एक्सपर्ट आता है और एक्सपर्ट जो कहता है कि ये जो कॉइन है ये कॉइन क्या है, ये कॉइन जेन्युइन है, अरे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेट बैंक है, हम स्टेट ए ने बी पर, बी को कोई
कॉइन दिए, बी का इल्ज़ाम था कि ए ने मुझे झूठे कॉइन दिए। अब ए हमारे पास ऑफ़र करता है कि एक्सपर्ट को बुलाया जाए, एक्सपर्ट जो है स्टेट बैंक से आता है, स्टेट बैंक से आकर वो जो कॉइन है उनको एग्जामिन करता है, और एग्जामिन करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचता है, इस कंक्लूजन जो निकालता है कि ये जो कॉइन है ये काउंटरफीट नहीं, ये ओरिजिनल है और ये जीनियन है। क्या है? ये जीनियन कॉइन है, ये काउंटरफीट नहीं, ये ओरिजिनल है, ये इस कंट्री के कॉइन है। ठीक है, ए में प्रूव दीज फैक्ट्स फॉर द रीजंस स्टेटेड इन द लास्ट प्रिसीडिंग इलस्ट्रेशन। ये जो लास्ट में जो बताया गया है ना, सारी बात समझो, इसी तरह उसका ही हमारे पास क्या है, फैक्ट्स है। अरे बस समझिए, बिल्कुल आसान है। इन द फेवर बट एडमिसिबल, ये क्या है, फेवर में है मगर फिर भी एडमिसिबल कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ए के फेवर में है, ए पर इल्ज़ाम था। ठीक है, ए जो है ये हमारे पास एग्जामिनेशन कोर्ट में पेश करता है कि ये मुझ पर इल्ज़ाम जो है हमारे पास काउंटरफीट कॉइन का, ये इल्ज़ाम गलत है, और जो कॉइन जो है वो जेन्युइन है, और वो जेन्युइन साबित हो जाते हैं तो फिर वो स्टेटमेंट, ठीक है, वो स्टेटमेंट, वो एग्जामिनेशन इज़ एडमिशन मानी जाएगी इन द फेवर ऑफ द ए। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर हो तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, इसके बाद हम 35 आर्टिकल और हमारे पास 36 आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई सवाल आपको हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थोड़ा लेंथी हो जाता है आपको समझाने में, मगर आपको ये बोरिंग लेक्चर्स आपको सुनने हैं, आपको देखने हैं। अगर आपको इसको पढ़ना है, हमारे पास एविडेंस एक्ट को, कानून शहादत को, तो फिर इस बोरिंग को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही ये खुश्क सब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच।